रीवा शहर में साइबर ठगी करने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। साइबर ठगों ने श्याम साह मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीसी द्विवेदी से ऑनलाइन ठगी कर 10 लाख रुपयों का ठगी किया। क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने के नाम पर ठगों ने उनके खाते से पैसे निकाल लिए। चिकित्सक को जब इस बात की जानकारी हुई कि वो ठग लिए गए, तब उन्होंने इसकी शिकायत अमहिया थाने में दर्ज कराई है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है, पर इस तरह लोगों को इस फ्रॉड कॉलों से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन साइबर अपराधी इतने सातिर हैं कि किसी न किसी बहाने लोगों की ठगी कर ही लेते हैं। इनसे पहले शिकार कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन ये इतने सातिर हैं कि अब पढ़े लिखे लोग भी इनके शिकार हो जाते हैं। रीवा जिले में इन दिनों साइबर अपराधियों का एक गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस बार उन्होंने श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन को अपना शिकार बनाते हुए उनसे 10 लाख रुपए ठग लिए। डॉक्टर कॉलोनी में रहने वाले चिकित्सक डॉक्टर पीसी द्विवेदी को डाक विभाग से एक क्रेडिट कार्ड आया था, जिसका पिन जनरेट करते समय अचानक से एक अननोन लिंक आई। साइबर फ्रॉड से अनजान चिकित्सक ने लिंक क्लिक कर सभी जानकारियां भर दी। कुछ देर बाद उनके खाते से 10 लाख रुपए गायब हो गए। वहीं व्यस्तता के चलते उस समय चिकित्सक को ऑनलाइन ठगी की जानकारी नहीं हुई। शाम को जब मैसेज पढ़ा तो होश उड़ गए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद वो पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे और साइबर फ्रॉड होने के बाद संबंधित बैंक को सूचना देने के साथ ही अमहिया थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फरियादी पीसी द्विवेदी जी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि एक क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और एक कस्टमर केयर नंबर नेट से निकाला था। उस नंबर ने जो जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करते गए और करते करते उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि उनका जो फ़ोन था रिमोट सर्वर पर चला गया। सारे डिटेल्स उनके वो फ्रॉड ने जो भी व्यक्ति था उसने ले लिए और लगभग इनकी 9,94,000 रुपये कट हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से आगे कार्रवाई